हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान के बारे में। तो बिना कोई देरी करे चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं अपनी आज की ये वीडियो। तो जैसे हर देश की पार्लियामेंट होती है, जो वहाँ की लॉ मेकिंग बॉडी होती है, तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी यहाँ के पार्लियामेंट के लिए प्रोविजंस दिए हुए हैं। यहाँ की पार्लियामेंट को बोलते हैं, सबसे पहले वो जान लेते हैं, यहाँ की पार्लियामेंट को बोलते हैं नेशनल डाइट। ओके, अब आपको मालूम है कि ज़्यादातर देशों में बाइकैमरल लेजिस्लेचर होती है, तो यहाँ पे भी बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। ये DIET है, नेशनल डाइट। इसके दो अंग होते हैं, दो बॉडीज होती हैं इसकी। पहली बॉडी जो अपर हाउस जिसे बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं हाउस ऑफ काउंसलर्स। जैसे हमारे वहाँ राज्यसभा है, वैसे यहाँ पे हाउस ऑफ काउंसलर्स है। और जो हमारे वहाँ लोअर बॉडी बोलते हैं जिसे लोकसभा, तो वैसे यहाँ पर है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। और जैसे हमारे वहाँ हेड ऑफ स्टेट यानी कि देश के प्रमुख जो होते हैं उसे हम प्रेसिडेंट बोलते हैं। ब्रिटेन में वो हो जाते हैं राजा या रानी, किंग या क्वीन। और वैसे यहाँ पे जापान में इनको एम्परर बोला जाता है। ओके, बात करें टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स की, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में 103 आर्टिकल्स दिए हुए हैं। और जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फॉर्मड हो गया था 1949 पे, तो हमारे पास 22 पार्ट्स थे। वैसे इन द सेम सेंस यहाँ भी पार्ट्स को पार्ट्स ना बोल के हम यहाँ पर चैप्टर्स बोल लेते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास टोटल 11 चैप्टर्स हैं। में ये 103 आर्टिकल्स दिए हुए। तो जैसे हमारे वहाँ हाउस ऑफ लोकसभा यानी कि जो लोकसभा होती है उसका जो टेन्योर होता है, उसका जो टाइम पीरियड होता है, वो हर 5 साल में उसके इलेक्शंस कराए जाते हैं। तो वैसे यहाँ पे भी इन द सेम सेंस जो यहाँ की लोअर बॉडी है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इनका भी हर साल 5 सालों में इलेक्शन कराया जाता है, यानी कि 5 साल का इनका टेन्योर होता है। नहीं, 4 साल का इनका टेन्योर होता है। हमारे वहाँ 5 साल का होता है, इनके वहाँ 4 साल का होता है। और हाउस ऑफ काउंसलर जो यहाँ की अपर बॉडी है, जो अपर हाउस है यहाँ का, जो अपर चैम्बर है, जिसको हमारे वहाँ राज्यसभा नाम से जानते हैं, तो उनका टेन्योर 6 साल होता है। तो इनके हमारे यहाँ भी 6 साल होता है, इनके यहाँ भी 6 साल होता है, ये सेम है। ठीक है, अब अगर बात करें थोड़ा सा जापान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, तो हमें ये जानने के लिए मिलेगा कि पहले जापान में कॉन्स्टिट्यूशन नाम की कोई चीज ही नहीं हुआ करती थी। यहाँ पे मोनार्की प्रिवलेंट हुआ करती थी, मोनार्की यानी कि राजशाही। ओके, तो देखो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पर होती है, तो वहां पे जितनी भी पावर्स होती हैं आपकी, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर और इवन जुडिशियल पावर, ये तीनों पावर राजा के हाथ में होती है, यानी कि जो वहां का मोनार्क होता है उसके हाथ में होती है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी थी जापान में भी, यानी कि जो यहाँ पे मोनार्क था यानी कि यहाँ का जो एम्परर था वो पहले सोवरेन था, उससे बढ़ के कुछ था ही नहीं। ओके, ही वॉज होल्डिंग ऑल द 3 पावर्स इन हिज हैंड, लेजिस्लेटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड जुडिशरी पावर्स। तो अब देखना ये है आपको कि धीरे धीरे एवोल्यूशन कैसे हुआ गवर्नमेंट के फॉर्म में, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कैसे कैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर आई, आपको ये चीज देखनी है। अब आपको ये देखना होगा कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ जापान में आई। तो देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पर होती है उसकी खासियत ये होती है कि यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेटिव के, और यहाँ पे पावर भी सेपरेट होती है, आपको मैं अगर बता दूं तो। ठीक है, यानी कि जैसे मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप देख रहे थे लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशियल पावर एक ही हाथ में थी, लेकिन यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर हो जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो साल था 1885 का, यहाँ पे फर्स्ट कैबिनेट फॉर्म हुई, यानी कि पहली कैबिनेट का फॉर्मेशन हुआ।
अब जब कैबिनेट बनती है तो वो कैबिनेट क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होता है और उन ग्रुप में से सबसे हेड जो होता है प्राइम मिनिस्टर होता है। तो भाई 1885 में जैसी कैबिनेट बनी तो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर बने, ITO, इनका पूरा नाम अगर मैं आपको बताऊं तो इनका पूरा नाम था हीरोबूमी ITO। ये थे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, ठीक है, क्योंकि इससे पहले तो आपको पता है मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, राजा का रूल था। लेकिन एक चीज आप अभी भी ध्यान रखना कि ये चलो हो गई कैबिनेट फॉर्म हो गए, लेकिन जो राजा का रूल है ना अभी भी चलता रहेगा, ठीक है। अब आप देखोगे पहली कॉन्स्टिट्यूशन भी यहां पे फॉर्म होगी, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। सो द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ जापान फॉर्म बाय इंपीरियल ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली लॉ ही होती है, एक तरीके का कानून होता है, एक तरीके का आदेश होता है, और नाम जुड़ गया इंपीरियल, यानी कि जो एम्परर यानी कि जो राजा वगैरह था, मोनार्कियल का जो आदेश था, राजा का आदेश, उसके आदेश पे जो है फर्स्ट कैबिनेट यहाँ पे फॉर्म हुई, ठीक है। इन 1885 देयर वर 9 डिपार्टमेंट इन द कैबिनेट इनिशियली, यानी कि स्टार्टिंग में जब ये फॉर्म हुई थी तो देयर वर 9 डिपार्टमेंट्स। अब ऑफिशियली 1889 में, साल आता है 4 साल बाद, 1885 में तो कैबिनेट वैसे फॉर्म हो गई है इंपीरियल ऑर्डिनेंस द्वारा, लेकिन सिर्फ 4 साल बाद 1889 में यहां पे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होता है, और इस कॉन्स्टिट्यूशन का नाम होता है मेजी, यानी कि हम इसे बोलेंगे मेजी कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए मेजी का नाम क्यों पड़ा होगा, मेजी यहाँ पे जो उस समय का एम्परर था, जो यहाँ का राजा था, उसका नाम था मेजी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया मेजी कॉन्स्टिट्यूशन। बट आपको मालूम है अगर अभी भी अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनते हैं, अभी भी आजकल की भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आपको मालूम होएगा कि वहां पे कैबिनेट के लिए स्पेशली मेंशन होता है, प्रिस्क्राइब होती है कैबिनेट के बारे में सारे प्रोविजंस। बट इस मेजी कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट के बारे में कोई प्रोविजंस था ही नहीं। सो आप लिखेंगे नो मेंशन ऑफ कैबिनेट इन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज मेजी कॉन्स्टिट्यूशन। बट कैबिनेट की जगह इंस्टीट्यूट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट यहां पर मेंशन था इस वाले कॉन्स्टिट्यूशन में, मेजी कॉन्स्टिट्यूशन में 1889 का कॉन्स्टिट्यूशन था ये। ओके सो इनिशियली व्हेन दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोमुलगेटेड सो देयर वाज नो मेंशन ऑफ कैबिनेट, बट मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट वर हाउएवर मेंशन देयर। सो आप लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश अ सॉर्ट ऑफ कैबिनेट। ओके मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट के बारे में कोई चीज मेंशन नहीं थी, लेकिन रियल में वहां पे कैबिनेट तो थी, प्राइम मिनिस्टर तो थे, ठीक है। सो अब अगर प्राइम मिनिस्टर हैं तो इन प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, सो पीएम वाज अपॉइंटेड बाय एम्परर, और जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं दे आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय एम्परर। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी मोनार्की जो है यहाँ पे प्रिवेलेंट थी, और ये सब जो कार्य हो रहे हैं अपॉइंटमेंट का, मिनिस्टर्स का, प्राइम मिनिस्टर्स का, ये किस कॉन्स्टिट्यूशन में हो रहे हैं, ये मेजी कॉन्स्टिट्यूशन में हो रहे हैं जो वहां का सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन था। सो बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर है दे आर द पार्ट ऑफ कैबिनेट, अब इनका अपॉइंटमेंट एम्परर कर रहा है। सो यहाँ पे पोजिशन किसकी वीक है और किसकी स्ट्रांग है, पोजीशन एम्परर की ज्यादा स्ट्रांग है और कैबिनेट की ज्यादा वीक है। तो आप यहाँ पे एक बढ़िया सी लाइन लिख देंगे कि पोजीशन ऑफ कैबिनेट वॉज जनरली वीक विच हैड टू वर्क अंडर वेरियस प्रेशर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ एम्परर। ओके तो ये तो हमने बात की ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन की जिसका नाम था मेजी कॉन्स्टिट्यूशन, अब चलते न्यू कॉन्स्टिट्यूशन पे। अब जापान का जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था इसका नाम पहले जान लीजिए, इसका नाम था सोवा कॉन्स्टिट्यूशन, पुराने वाले का था मेजी कॉन्स्टिट्यूशन। ओके तो पहले पुराने कॉन्स्टिट्यूशन में, मेजी कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट के बारे में कुछ मेंशन नहीं था, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट के बारे में मेंशन है, द कैबिनेट करके, और आर्टिकल 65 से लेकर जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 65 से लेकर आर्टिकल 75
कैबिनेट को डील करते हैं। तो ये देखिए आर्टिकल 65 में लिखा हुआ है कि एग्जीक्यूटिव पावर सेल बी वेस्टेड इन द कैबिनेट। आर्टिकल 66 में लिखा है कैबिनेट सेल कंसिस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हु सेल बी इट्स हेड एंड अदर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट मस्ट बी सिविलियन एंड कैबिनेट सेल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द डाइट इन एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर। अब नीचे देखिए आर्टिकल 67 में दिया है डेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर शैल बी डेजिग्नेटेड फ्रॉम अमंग द मेंबर्स ऑफ डाइट बाय अ रिजोल्यूशन ऑफ डाइट। अब जो इंपॉर्टेंट चीज आती है आर्टिकल 68 में आ जाती है प्राइम मिनिस्टर शैल अपॉइंट द मिनिस्टर ऑफ स्टेट ही मे ऑल्सो रिमूव द मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो आपने अभी पहले पुराने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या देखा था कि यानी कि जो पावर्स थी मिनिस्टर्स को हटाने की और उन्हें अपॉइंट करने की वो एम्परर पे थी, लेकिन यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पे आ गई। और प्राइम मिनिस्टर किसका पार्ट है? कैबिनेट का पार्ट है, कैबिनेट का हेड है बेसिकली। तो इस चीज से आप क्या समझे कि जो पहले मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वो तो हटी गई यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और जो कैबिनेट की पोजीशन पहले थी कमजोर यानी कि वीक, अब नाउ इट इज स्ट्रांग। सो कैबिनेट इज इन स्ट्रांग पोजीशन, ठीक है। हर एक चीज को आपको कंपेयर करके चलना है तभी आपको समझ में आएगा। तो ये तो हमने कंपैरिजन कर लिया कैबिनेट का पुराने में कैसा था, पुराने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या स्थिति थी और नए में क्या स्थिति थी। अब बात करें इसके नए कॉन्स्टिट्यूशन बनने की कहानी के बारे में, तो इस टाइम पीरियड से तो आप अच्छे से वाकिफ होंगे। 1939 से 1945 का जो टाइम पीरियड था ये था वर्ल्ड वॉर टू का। तो भाई हम सबको मालूम है एक तरफ थी एक्सिस पावर और दूसरी तरफ थी एलाइड पावर। अलाइड पावर विक्टोरियस हुई थी, इसमें आती थी कंट्री एक तो ब्रिटेन, यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस, और वहीं दूसरी तरफ एक्सिस पावर में सबसे जो इंपॉर्टेंट कंट्री हर कोई जानता है जर्मनी हार गया था पूरी तरीके से। तो पहली कंट्री तो जर्मनी, जर्मनी का साथ दिया था इटली ने और इटली के साथ था जिस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, जापान। तो आपको मालूम है कि अमेरिका ने जापान पे दो बॉम्ब फेंके थे, एटम बॉम्ब, एक उसकी दो टेरिटरी में, एक हिरोशिमा और एक नागासाकी, अगर मैं रिकॉल कर पाऊं तो 1943 में फेंके थे। बट ये क्यों फेंके थे, कुछ ना कुछ तो जापान ने भी किया होगा ना। तो जापान ने क्या किया था, अमेरिका के पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया था, ओके। तो अपना रिवेंज लेने के लिए अमेरिका ने तब जाके यहां पे अटैकिंग की थी, बॉम्बिंग की थी। अब हमारा मेन चीज यहां पर है जापान से, क्योंकि जापान का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है सोवा कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें हाथ है अमेरिकन सिविल पर्सनल्स, ठीक है। इन्होंने बनाया था, इन्होंने अपना योगदान दिया था इसको, सोवा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। पर्सन का नाम था जनरल मैक आर्थर। अब नाम लग के आगे जनरल, तो जनरल से आप समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं जो है आर्मी से रिलेट करते होंगे, आर्म फोर्सेस से, जी हाँ बिल्कुल करते थे। ये सुप्रीम कमांडर थे अमेरिका के, यानी कि आर्मी के चीफ, जनरल मैक आर्थर। जैसे जर्मनी का था हिटलर, इटली का था बेनिटो मुसोलिनी, तो वैसे ही यूएसए को जो लीड कर रहे थे जनरल मैक्स आर्थर। तो भाई अब जब ये सारी कंट्रीज हार गई हैं तो यूएसए ने क्या किया, जापान के पास गए और इनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बोला, क्योंकि ये जो है काफी मतलब टेरेन हुआ करते थे, कहीं पे भी बहुत खतरनाक टाइप का हुआ करते थे। चाइना पे भी इन्होंने हमला किया था, ऐसे बहुत सारे अपने आसपास नेबरिंग कंट्री पे इन्होंने उत्पात मचाया हुआ था। और इवन आप समझ सकते हैं कि अमेरिका के पाल हार्बर में इन्होंने अटैक किया तो कितनी इनकी खतरनाक पोजीशन रही होगी जापान वालों की। तो इसलिए यहाँ पे जो टेरेनी चल रही थी, जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही थी, उसको रिमूव करने के लिए, यहाँ की पावर को कम करने के लिए इन्होंने प्रेशर डाला और अपना जो है कंट्रीब्यूशन दिया कि हम तुम्हारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तुम जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे रन करो। सो जनरल मैक आर्थर वॉज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जापान, ओके। तो 1945 में वर्ल्ड वॉर टू खत्म होते ही 1946 में देयर फेल्ट अ नीड ऑफ मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जापान।
दोस्तों, जैसे आप सब जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करती है। तो जापान के कॉन्स्टिट्यूशन का भी ड्राफ्ट तैयार किया गया, 1946 से कार्रवाई वगैरह शुरू हो गई, यानी कि सारी प्रोसेस वगैरह शुरू हो गई। और दिन आया 3 मई 1947, इस दिन यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया। और जो सो कॉल्ड मोनार्की यहाँ पर अभी तक प्रिवलेंट थी, तो इसका भी दी एंड हो गया। मोनार्की एबोलिस्ट एंड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड। ओके, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का नाम सोवा कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन सोवा वॉज द एम्परर ऑफ जापान, आई थिंक ऐसे ही मैंने 147 या ऐसे कुछ एम्परर थे, बट थे एम्परर ही जापान के, ठीक है। एंड दिस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि सोवा कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाय बोथ अमेरिकन एंड ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसीलिए हमको जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में एक अलग सी फीचर देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे हमें पार्लियामेंट्री फीचर भी दिखेगा और हमें प्रेसिडेंशियल फीचर भी दिखेगा। तो ये तो था न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का इंस्पिरेशन, अमेरिका और ब्रिटेन। वहीं पे जो ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन था जिसे मेजी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते थे, वो कहां से इंस्पायर था? इट वॉज इंस्पायर्ड बाय जर्मनी, क्योंकि आपने देखा ना जर्मनी इसके साथ में ही था, तो कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप बॉन्ड तो थी। सो ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाय जर्मनी एंड पर्सियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आप लिख देना यहां पे, मैं सिर्फ कॉन्स्टी लिख रहा हूं। ओके, सो अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन की बारे में। आई होप कि इतना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और अभी तक जो कुछ मैंने आपको बताया वो आपके सब समझ में आ गया होगा, ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए। तो फीचर्स ऑफ जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं। सो सैलिएंट फीचर्स ऑफ जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, पहला तो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भाई। तो अलाइक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में भी हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आप इंडिया का एग्जांपल भी देख सकते हैं यहाँ पे। अब जो सबसे खास चीज है यहाँ पे, इट कंटेन्स अ प्रीएम्बल, और प्रीएम्बल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का। सो ये है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1946 और ये है इसका प्रीएम्बल। सो आप देख सकते हैं कि वी द जापानीज पीपल एक्टिंग थ्रू अवर ड्यूली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन द नेशनल डाइट। नेशनल डाइट मैंने आपको बताई थी, यहाँ की जो है लॉ मेकिंग बॉडी है, एक तरफ से यहाँ की पार्लियामेंट है। डिटरमाइन दैट वी शैल सिक्योर फॉर अवर सेल्व्स एंड अवर प्रोस्टेरिटी द फ्रूट्स ऑफ पीसफुल कोऑपरेशन विद ऑल नेशंस एंड द ब्लेसिंग्स ऑफ लिबर्टी थ्रू आउट दिस लैंड। तो आप जो है ध्यान देने वाली चीज यहाँ पे देखना, वी द जापानीज पीपल बहुत जगह में मैंशन होगा, नीचे देख लीजिए, विद द पीपल एंड टू फॉर्मली एस्टेब्लिश दिस कॉन्स्टिट्यूशन। फिर और देख लीजिए नीचे, वी द जापानीज पीपल, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? हाँ, वी द जापानीज पीपल डिजायर पीस फॉर ऑल टाइम एंड डीपली, ठीक है। फिर थोड़ा और नीचे देखिए, वी द जापानीज पीपल प्लेज अवर नेशनल ऑनर टू अकम्प्लिश दीज हाई आइडियल्स एंड पर्पसेस विद ऑल अवर रिसोर्सेस। तो वी द पीपल कहने का मतलब क्या है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो सोवेनिटी थी, पहले मोनार्क था पहले पुराने वाले कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, तो अब कौन है सोवरेन यहाँ पर? वी द पीपल यानी कि यहाँ की जनता। ओके, ये आप माइंड पे रखना, अभी आगे काम आएगी। सो इट कंटेन्स अ प्रीएम्बल, इट कंसिस्ट ऑफ 11 चैप्टर्स एंड 103 आर्टिकल्स। वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था। तो जब आप जनरल फीचर्स लिख रहे होंगे जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन के, तो पहला आप रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे, उसमें ये सब मैटर आप लिख देंगे। इट इज अ यूनिक ब्लेंड ऑफ अमेरिकन ब्रिटिश सिस्टम, द प्रीएम्बल एम्फसाइजेस द प्रिंसिपल ऑफ सोवरेनिटी ऑफ पीपल। मैंने प्रीएम्बल दिखाया आपको इसीलिए दिखाया था कि यहाँ पे जो प्रीएम्बल फोकस कर रहा है पीपल्स की सोवरेनिटी पर। तो ये सारा पार्ट आपको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाले में लिखना है। सेकेंड है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सेकंड फीचर इसका कि अलाइक द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिजिड वन, इट कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द डाइट एंड सिंस 1947 दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन अमेंडेड येट। मतलब डाइट से तो ये अमेंड होता है, लेकिन इतना इजी नहीं है इसको अमेंड करना, इसलिए नाम है रिजिड, ठीक है। सो इट कैन बी अमेंडेड बाय मीन्स ऑफ स्पेशल प्रोसेस प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो अमेंडमेंट प्रोसेस दिया है
चैप्टर 9 में आर्टिकल 96 में दिया हुआ है कि अमेंडमेंट टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी इनिशिएटेड बाय द डाइट थ्रू अ कंकरिंग वोट ऑफ 2/3 और मोर ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ ईच हाउस एंड शैल देयर अपॉन बी सबमिटेड टू द पीपल फॉर रेटिफिकेशन विच शैल रिक्वायर द अफर्मेटिव वोट ऑफ मेजोरिटी ऑफ ऑल वोट्स कास्ट देयर ऑन एट अ स्पेशल रेफरेंडम और सच इलेक्शन एज द डाइट शैल स्पेसिफाई. Amendments when so ratified shall immediately be promulgated by the emperor in the name of the people as an integral part of this constitution. तो आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा लफड़ा है amend करना constitution को, और यही जो है वजह कि इसमें अभी तक एक भी बार जो है amendment नहीं हुआ है. तो देखिए 2/3 of more of the members, ठीक है 2/3 का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि special majority हो गई ये, और एक बार special majority ने इसको pass भी कर दिया उसके बाद ये पीपल के पास भी जाएगी रेटिफिकेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे सोवरेन कौन है, यहाँ पे पीपल है. तो ये आपने देखा और ये दो इंपॉर्टेंट फीचर्स थे. बाकी मैं आपको बताता हूँ और थोड़ा सा ऐसे ही बोल दूंगा, आप लोग लिख लेना क्योंकि वीडियो की लेंथ हो रही है लंबी गाइस. सो पहला फीचर आपने रिटर्न देखा, दूसरा देखा कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ का, अमेंडमेंट इतना इजीली पॉसिबल नहीं है. तीसरा जो फीचर है यहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट, यानी कि यूनिटरी गवर्नमेंट यहाँ पे सेंट्रल जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पावरफुल है, ओके वो होती यूनिटरी गवर्नमेंट, यानी कि सिर्फ एक मेन पावरफुल सरकार, एक मेन पावरफुल गवर्नमेंट. तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था यहाँ पे दोनों फीचर्स हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के भी और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के भी. ठीक है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है क्या, फेडरल गवर्नमेंट होती है, यानी कि केंद्र पे शक्ति तो होती है, साथ में जितने भी स्टेट्स होते हैं, जैसे अमेरिका में 50 स्टेट्स है तो 50 के 50 स्टेट्स के पास अपनी अपनी पावर्स हैं, अपनी तरीके से वहां पे उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन है, अपनी वहां पे अपनी सिटीजनशिप मिलती है. ठीक है, यानी कि विकेंद्रीकरण है वहां पर, डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं जिसे. इसमें आप लिख देंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान इज यूनिटरी, वेयर इज दैट ऑफ अमेरिका एंड इंडिया इज फेडरल. इंडिया में भी जो है यूनिटरी हो जाता है ड्यूरिंग टाइम ऑफ इमरजेंसी. फर्दर आप इस बार लिखेंगे द प्रोविंसेस हैव रिसीव्ड देयर पावर फ्रॉम सेंटर एंड सेंटर कैन एनी टाइम चेंज देयर पावर. और आर्टिकल 41 जो है यहाँ पे ये इस चीज को अफर्म कर देता है कि देयर सेल ओनली बी वन लॉ मेकिंग ऑर्गन, सिर्फ एक लॉ मेकिंग ऑर्गन होगी और वो है द डाइट. तो ये देखिए चैप्टर 4 द डाइट. Article 41, the Diet shall be the highest organ of the state power and shall be the sole law-making organ of the state. तो चलिए मैं लिख ही देता हूँ इसको आप लोग के लिए. बस आप लोग एक काम कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना ज्यादा ज्यादा, और अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना. सो आपने सेकंड फीचर देखा था रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें प्रोविजन देख लीजिए अमेंडमेंट के, द अमेंडमेंट शैल बी इनिशिएटेड बाय द डाइट सच अ प्रपोजल मस्ट बी पास बाय मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ इट्स मेंबर. और ये सब कहां दिया हुआ आर्टिकल 96 में. और फर्दर यहाँ पे लिखा हो कि अमेंडमेंट व्हेन सो रेटिफाइड शैल इमीडिएटली बी प्रोमुलगेटेड बाय द एम्परर इन द नेम ऑफ द पीपल एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. ओके चलते हैं तीसरे फीचर की तरफ, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन. लाइक द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ यूनिटरी स्टेट, देयर इज नो डिविजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ऑल पावर्स आर वेस्टेड इन अ सिंगल सुप्रीम सेंट्रल गवर्नमेंट लोकेटेड एट टोक्यो. टोक्यो यहाँ की जो राजधानी है जापान की. ठीक, द प्रोविंसेस derive their authority from central government. Okay. अब unitary constitution कहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक single government होगी, government state level पे भी होती है, province level पे भी होती है, लेकिन यहाँ पे जो power होगी सिर्फ central government के पास होगी, यानी कि central government जो चाहेगी वैसी power जो है provide कर सकती है बाकी नीचे provincial governments को. These provinces जो यहाँ के states हैं एक country में, जैसे हमारे country में 28 states हैं, यहाँ पे भी कुछ states होंगे. So, in states and provinces, they derive their authority from central government. And the diet can expand or diminish. जो यहाँ की diet है, जो यहाँ की supreme law making body है, it can even expand or it can even diminish the authority or power or jurisdiction of the provincial governments. Okay. Thus, the provinces are subordinate units of government and enjoy only those powers which are delegated to them by the supreme central government, that is diet. So ये चीज आप समझ रहे होंगे. चौथे फीचर पे आते हैं, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है जापान ने अपनाई है. ठीक है, और फीचर्स आपको मालूम है दोनों ही गवर्नमेंट के हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के भी हैं और
प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के भी हैं, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के भी हैं। सो जो चौथा फीचर है यहाँ का पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। जापान ऑप्टेड फॉर ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम लाइक अलाइक ब्रिटेन। एम्परर इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव वाइल द कैबिनेट इज द रियल एग्जीक्यूटिव। यू नो पुराने वाले कॉन्स्टिट्यूशन में, मेजी कॉन्स्टिट्यूशन में एम्परर वॉज द रियल एग्जीक्यूटिव, उसी के हाथ में सारी पावर्स हुआ करती थी। बट जो 1946 का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, 1947 मई के महीने में जो पूरा अडॉप्टेड और इनेक्टेड हो गया है पूरी एंटायर टेरिटरी में जापान की, तो उसमें जो है कैबिनेट को रियल एग्जीक्यूटिव बना दिया। ओके, सो द एम्परर इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव व्हाइल द कैबिनेट इज द रियल एग्जीक्यूटिव। अब देखिए आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं, यानी कि इसका एक फीचर है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन का। तो बेसिक फीचर क्या होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ होती है, तो उसका जो बेसिक फीचर होता है कि जो एग्जीक्यूटिव होती है, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स लेजिस्लेचर। ये इसका बेसिक फीचर है, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, चाहे वो कहीं भी हो। अगर कहीं भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रिवेल कर रही है, तो वहां पे समझ लेना कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो एक ऑर्गन है गवर्नमेंट की, वो दूसरे ऑर्गन यानी कि जो लेजिस्लेटिव है उसके प्रति जिम्मेदार रहती है, यानी कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव। अब ये चीज यहाँ पर कैसे प्रूफ हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल प्रूफ हो रही है। जो आर्टिकल 66 है यहाँ का, तो गौर फरमाइएगा, आर्टिकल 66 थर्ड पैरा, द कैबिनेट इन द एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द डाइट। तो डाइट यहाँ पर क्या है? डाइट यहाँ पे लॉ मेकिंग बॉडी है, हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी, यानी कि लेजिस्लेचर है। तो आर्टिकल 41 इसको कंफर्म करती है, द डाइट शैल बी द हाईएस्ट ऑर्गन ऑफ द स्टेट पावर एंड शैल बी द सोल लॉ मेकिंग ऑर्गन ऑफ द स्टेट, आर्टिकल 41। आर्टिकल 65 देखिए, एग्जीक्यूटिव पावर शैल बी वेस्टेड इन द कैबिनेट, यानी कि कैबिनेट क्या है? एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। और आर्टिकल 41 में आपने देखा कि जो लेजिस्लेटिव बॉडी है यहाँ की, वो है डाइट। सो भाई आर्टिकल 65 है जो, ये मेंशन करती है कि एग्जीक्यूटिव पावर होगी किस पे? कैबिनेट पे। और आर्टिकल 41 जो है ये यहाँ पे मेंशन करता है कि लेजिस्लेचर जो है, यानी कि डाइट, दैट इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग ऑर्गन ऑफ द स्टेट। इन दोनों आर्टिकल्स को आप आर्टिकल 66 के संग पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जापान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वो सिर्फ इस लाइन से पता चलता है, कैबिनेट इन द एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द डाइट। और मैंने बोला क्या था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक मेन फीचर यही होता है कि जो वहां की एग्जीक्यूटिव होती है वो लेजिस्लेचर के प्रति जिम्मेदार रहती है, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव। ये चीज आपने देख ली आर्टिकल 41, आर्टिकल 65 और आर्टिकल 66। सो ये जो चीज थी बेहद जरूरी थी आपको बतानी। चलिए यहां से कंटिन्यू करते हैं। मैंने यहां तक बताया था कि एम्परर इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव व्हाइल द कैबिनेट इज द रियल एग्जीक्यूटिव। एम्परर जो है यहां का राजा, वो नाम मात्र का तो एग्जीक्यूटिव है ना, सारी पावर कैबिनेट के पास है और सारी पावर यहाँ की लेजिस्लेटिव बॉडी यानी कि डाइट के पास है। एम्परर पे तो कुछ है ही नहीं, नाम मात्र का है। फिर तीसरी चीज आप देखिए इस पॉइंट में, द कैबिनेट कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड। ठीक है, जो कैबिनेट का हेड होगा प्राइम मिनिस्टर होगा, एंड प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट्स मेंबर ऑफ कैबिनेट एंड कैबिनेट कंसिस्ट ऑफ 20 मिनिस्टर्स। यहाँ पे जो है स्ट्रेंथ आपको पता चल जाती है, 20 मेंबर्स कैबिनेट जो होगी उसके 20 सदस्य होंगे। द एम्परर इज द हेड ऑफ द स्टेट, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो है अपने इंडिया में भी जो हमारा राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट, इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और चलती किसकी है? गवर्नमेंट की है। स्टेट तो बस एक इंस्टीट्यूशन है ना, और गवर्नमेंट वहां की रूलिंग बॉडी है जो कि स्टेट को रूल करती है। द प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट्स द मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स हैव टू बी चूजन फ्रॉम अमंग द मेंबर्स ऑफ द डाइट। अब देखिए जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे ना, वो सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, आप मान लीजिए कि यहां पर हमारे पास 100 मेंबर्स स्टेट्स के होने हैं, ठीक है। अब इन 100 में से 80 मेंबर्स जो होंगे ये सेलेक्ट होंगे डाइट में से, जो यहाँ की हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी है, और बाकी 20 मेंबर्स हो जाएंगे जो प्राइम मिनिस्टर है अपने मन से चुन सकता है किसी को भी, लेकिन वो सिविलियंस होने चाहिए। ये मैंने आपको बताया था, ये भी है, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज। अगर आपने मेरी अली आर्टिकल वाली जो है अच्छे से वीडियो देखी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान में, जिसमें मैंने आर्टिकल वाला पोर्शन अच्छे से समझाया, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, गो देयर एंड चेक इट आउट राइट नाउ। सो ये चीज क्या शो करती है कि
मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स हैव टू चूजन फ्रॉम अमंग द मेंबर्स ऑफ द डाइट, यानी कि डाइट क्या लेजिस्लेटिव बॉडी, ये फिर से यही शो करती है कि ये जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही है, क्योंकि मेजोरिटी की कहाँ से आ रही है, लेजिस्लेटिव से आ रही है। अब लेजिस्लेटिव से आ रही है तो यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है ये लेजिस्लेटिव के लिए रिस्पॉन्सिबल ही होगी, क्योंकि इवन जो है लेजिस्लेटिव के ही तो ऑर्गन है ज्यादातर मेजोरिटी है ना। द प्राइम मिनिस्टर कैन रिमूव द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एज ही चूजेस। द कैबिनेट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स एग्जीक्यूटिव पावर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू डाइट। ये मैं आपको बता चुका हूं कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 66। आई होप कि इतनी सारी चीज आपको समझ में आई होगी। चार फीचर्स मैंने आपको बता दिए, पांचवा फीचर आप लिख सकते हैं एडल्ट सफरेज। इसमें आप लिख सकते हैं कि द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान दैट इज सोवा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फीचर ऑफ एडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज का मतलब जैसे कि जो भी पीपल 20 या 20 प्लस होंगे दे हैव द राइट टू वोट। ओके, सो आप लिख सकते हैं ऑल मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल मैन एंड वुमेन हु हैव अटेंड 20 इयर्स ऑफ एज हैव राइट टू वोट। ओके, तो ये है। अगर आप इतने फीचर्स अच्छे से बता देते हैं तो दैट इज सो मच गुड, बट फिर भी एक दो फीचर्स मैं ट्राई करता हूं आपको और बता दूं। सिक्स्थ फीचर आप यहां पर लिख सकते हैं कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर। ओके, तो ये तो आपने बहुत जगह देखा होगा, बहुत सारी वीडियो लेक्चर्स में हर कोई बताता ही है कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब, बाइक का मतलब होता है टू और कैमरल का मतलब होता है चैम्बर, लेजिस्लेचर का मतलब आपको पता ही है लॉ है। तो यानी कि जो कानून बनाने वाली जो हाउसेस होंगी यहां पे दो होंगी, सो एक तो हो जाएगी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, मैं सबसे पहले बता चुका हूं आप लोग को, और दूसरी हो जाएगी हाउस ऑफ काउंसिलर। और मेरे इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है आर्टिकल 42 ऑफ द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, द डाइट सेल कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस नेमली द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड द हाउस ऑफ काउंसिलर्स। ओके, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड हाउस ऑफ काउंसिलर, तो दो हाउस हो जाएंगे, इसलिए बोलते हैं बाइकैमरल लेजिस्लेचर। इंडिया में भी है लोकसभा और राज्यसभा, ब्रिटेन में भी है हाउस ऑफ लॉर्ड एंड हाउस ऑफ कॉमन, अमेरिका में भी है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट, लेकिन मुद्दे से भटकेंगे नहीं, हमें जापान की कॉन्स्टिट्यूशन में तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और हाउस ऑफ काउंसिलर। सो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो यहाँ की लोअर हाउस है, जैसे हमारे यहाँ की लोकसभा है, तो इसमें 465 मेंबर्स हैं और इनका जो टेन्योर होता है कार्यकाल 4 इयर्स का होता है। हाउस ऑफ काउंसलर की बात करें तो ये यहाँ की अपर हाउस है, इनका टेन्योर 6 साल का होता है और अभी इसकी स्ट्रेंथ 245 मेंबर्स है। ओके, इतना आप लिख देना कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान प्रोवाइड्स फॉर बाइकैमरल लेजिस्लेचर व्हिच हैज टू चैम्बर्स, अपर चैम्बर और अपर हाउसेस, हाउस ऑफ काउंसलर व्हिच हैज 245 मेंबर्स एंड टेन्योर ऑफ मेंबर इज 6 इयर्स, व्हाइल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव व्हिच इज द लोअर हाउस ऑफ द जापान्स नेशनल डाइट, ये दोनों ही काय के हैं नेशनल डाइट, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट के दो है ना, तो नेशनल डाइट के दो यहाँ पे आपको ऐसे ऑर्गन्स मिल जाएंगे, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और हाउस ऑफ काउंसिलर। तो इनकी जो स्ट्रेंथ है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के 465 मेंबर्स, इनका टेन्योर 4 साल का, ठीक है। हाउस ऑफ काउंसिलर जो यहाँ की अपर हाउस है, इसका जो है मेंबर्स 245 मेंबर्स स्ट्रेंथ है इसकी और 6 इयर्स इसका टेन्योर है, सो व्हिच हैज 465 मेंबर्स, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहे हैं, एंड दे हैव 4 इयर्स टेन्योर, एंड व्हाइल हाउस ऑफ काउंसिलर हैव 245 मेंबर्स एंड दे हैव 6 इयर्स ऑफ टेन्योर।
सो इतना आप ये वाले फीचर में लिख देंगे, इट इज मोर देन इनफ। हाँ, अब एक और आप फंडामेंटल राइट्स है ना, ये भी यहाँ का फीचर है कि फंडामेंटल राइट्स भी प्रोवाइड किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। कहाँ पर किए हैं, मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था आपको सब कुछ, जिसमें पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल्स हमने देखे थे वन बाय वन। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अगर आपको चेक करना है तो आप जाके देख सकते हैं कि क्या क्या जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। अब फंडामेंटल राइट्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे राइट टू इक्वलिटी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि एनी पर्सन कैन प्रोपोगेट कैन प्रोफेस एनी ऑफ द रिलीजन, फ्रीडम ऑफ असेंबली एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस है ना, राइट टू एजुकेशन है ना। तो ये आपने अगर 5-6 पॉइंट लिख दिए हैं तो इतना सफिशिएंट है, ठीक है। सो राइट टू इक्वलिटी जो दिया हुआ है, सेम एज अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 सेज ऑल ऑफ द पीपल आर इक्वल अंडर द लॉ एंड देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन पॉलिटिकल इकोनॉमिक और सोशल रिलेशंस बिकॉज ऑफ रेस क्रीड सेक्स सोशल स्टेटस और फैमिली ओरिजिन। सो आप लिखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान ऑल्सो प्रोवाइड्स सम फंडामेंटल राइट्स लाइक राइट टू इक्वलिटी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ असेंबली एसोसिएशन स्पीच प्रेस एंड राइट टू एजुकेशन। तो ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है ये कहां पर दिया हुआ, ये दिया हुआ आर्टिकल 20 पर। आर्टिकल 20 सेज दैट फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज गारंटीड टू ऑल, नो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन शैल रिसीव एनी प्रिविलेजेस फ्रॉम द स्टेट नॉर एक्सरसाइज एनी पॉलिटिकल अथॉरिटी, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू टेक पार्ट इन एनी रिलीजियस एक्ट सेलिब्रेशन राइट और प्रैक्टिस, द स्टेट एंड इट्स ऑर्गन शैल रिफ्रेन फ्रॉम रिलीजियस एजुकेशन और एनी अदर रिलीजियस एक्टिविटी। तो ये चीज दर्शाती है कि देयर इज अ राइट टू रिलीजन ऑल्सो। अब देखिए, ये मैंने बताया था फ्रीडम ऑफ असेंबली एसोसिएशन स्पीच प्रेस, ये राइट दिया हुआ है आर्टिकल 21 पर। आर्टिकल 21 सेड्स दैट फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड एसोसिएशन एज वेल एज स्पीच प्रेस एंड ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन आर गारंटीड, नो सेंसरशिप शैल बी मेंटेन नॉर शैल द सेक्रेसी ऑफ एनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बी वायलेटेड। राइट टू एजुकेशन इट्स गिवन इन आर्टिकल 26। All people shall have the right to receive an equal education correspondent to their ability as provided by law. All people shall be obligated to have all boys and girls under their protection receive ordinary education as provided for by law. Such compulsory education shall be free. Free education की भी बात हो रही है। So कहने का मतलब है ऐसी बहुत सारी तमाम आपको जो है fundamental rights provided है Japanese constitution में भी, so no issue for that. And I think this much information under fundamental rights are more than enough and is sufficient. आठवां feature आप लिख सकते हैं popular sovereignty. Popular sovereignty मतलब कि peoples are supreme. तो ये मैं जैसे मैंने आपको preamble दिखाया था, तो preamble अपने आप में ये सारी चीजें बताती है कि popular sovereignty है. So इसका मतलब होता है basically supremacy of people. इसका आपका सबसे बढ़िया सोर्स हो सकता है प्रीएम्बल, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान और साथ में आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान। प्रीएम्बल ये है, आप रीडिंग मान लीजिएगा, वी द जापानीज पीपुल लाभ लाभ लाभ। वी द जापानीज पीपुल प्लेज अवर नेशनल ऑनर to accomplish these high ideals and purposes with all our resources, यानी कि हर जगह we the people की बात हो रही है, बात कर रहे हैं आर्टिकल 1 की, the emperor shall be symbol of the state and of the unity of the people, deriving his position from the will of the people with whom resides sovereign power. तो आर्टिकल 1 भी जो है जस्टिफाई कर रहा है कि sovereignty जो है लाई करती है पीपल में, so this is called nothing but this is popular sovereignty. Ninth आपका फीचर हो जाएगा लिमिटेड मोनार्की।
तो देखिए जो ओल्ड वाला कॉन्स्टिट्यूशन था, जो मेजी कॉन्स्टिट्यूशन था, इसमें जो है एब्सोल्यूट मोनार्की थी, ठीक है। लेकिन जो अभी नया कॉन्स्टिट्यूशन है, सोवा कॉन्स्टिट्यूशन, इसने लिमिटेशंस लगा दी है मोनार्की पे। यानी अगर एब्सोल्यूट मोनार्की होती जैसे मेजी कॉन्स्टिट्यूशन में थी, ठीक है, एब्सोल्यूट थी ना, तो इसमें होता क्या कि जो है राजा वो टेरिन बन जाता, जो चाहता जो वो चाहता वही करता, है ना। सो कैबिनेट की पावर चलती नहीं थी मेजी कॉन्स्टिट्यूशन में, है? अब जो सोवा कॉन्स्टिट्यूशन है इसने पावरफुल बना दिया है कैबिनेट को, ठीक है। तो जो मोनार्क है, जो यहाँ का एम्परर है, वो किसके कहने पर, किसकी एड एंड एडवाइस लेगा, वो लेगा कैबिनेट की, जो कि क्या है, एग्जीक्यूटिव है। ओके, तो हर एक चीज को आप समझना है। और इस लिमिटेड मोनार्की को जो है जस्टिफाई करता है आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 ये है कि द एम्परर विद द एडवाइस एंड अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट, आगे पढ़िए, शैल परफॉर्म द फॉलोइंग एक्ट्स इन मैटर ऑफ स्टेट ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, ठीक है, पीपल के बिहाफ में। यानी कि सोनेटी किसके पास, पीपल के पास, किसकी एड और एडवाइस से करेगा, किसकी अप्रूवल से करेगा, कैबिनेट के अप्रूवल से। तो ये चीज जस्टिफाई करती है कि देयर इज अ लिमिटेड मोनार्की। तो ये इसके फंक्शंस हैं मोनार्क के, कि कन्वोकेशन ऑफ द डाइट, डिसॉल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रोक्लेमेशन ऑफ जनरल इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द डाइट, हैं, और भी आप पढ़ लीजिएगा, आपके सामने रखा हुआ है सब कुछ। रिसीविंग फॉरेन एम्बेसडर्स एंड मिनिस्टर्स, परफॉर्मेंस ऑफ सेरेमोनियल फंक्शंस, अवार्डिंग ऑफ ऑनर्स, ठीक है। तो ये सारे जो है तमाम कार्य करेगा यहाँ का जो मोनार्क है, यहाँ का जो एम्परर है, लेकिन विद द एडवाइस एंड अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट। ये चीज टर्न कर देती है कि या देयर इज अ लिमिटेड मोनार्की। और इवन आर्टिकल 1 तो सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल है ही ना। आर्टिकल 1 को आप फोकस कीजिए, द एम्परर शैल बी सिंबल ऑफ द स्टेट एंड द यूनिटी ऑफ द पीपल डिप्राइविंग हिज पोजीशन। ये लाइन देखिए, डिप्राइविंग हिज पोजीशन फ्रॉम द विल ऑफ पीपल विद हुम रिसाइड सोवरेन पावर। So therefore, by Article 7 and Article 1 of this Japanese Constitution, we can claim that there exists limited monarchy in Japan. Yani ki Japan is a nominal head of the entire country, of the entire state, head of the state. And last but not the least, 10th feature is independence of judiciary. जिस चीज के लिए आप ये सब पढ़ रहे हैं, इंडिपेंडेंस, स्पेलिंग सही है, INDEPEN, हाँ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। सो देखिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी में क्या होता है कि पावर ऑफ अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ विदाउट एनी फियर। देखिए क्या होता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी का मतलब, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जहां पे कॉन्सेप्ट आती है, तो इसका मतलब ये है कि ना लेजिस्लेटिव का ना ही एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी में कोई रोल होगा, इसमें ये कोई इंटरफेयर करेंगे ही नहीं, नो इंटरफेरेंस। और दूसरी बात ये, किसी भी देश का, अधिकतर देशों का जो सर्वोच्च कानून यानी कि जो सुप्रीम लॉ होता है, वहां का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। यानी कि वहां पे जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी है, अगर इसको या तो लेजिस्लेटिव अगर इसे वायलेट करने की कोशिश कर रही है, या फिर एग्जीक्यूटिव इसको वायलेट करने की कोशिश कर रही है, तो जुडिशरी का वहां पे काम क्या होता है कि इन दोनों ऑर्गन्स को चेक करना, एग्जामिन करना। तो अगर ऐसा जहां पे भी होता है, तो हम कहेंगे कि यहाँ की जो जुडिशरी है वो भाई इंडिपेंडेंट है। तो ये देखिए, पावर ऑफ अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ विदाउट एनी फियर और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एंड मेंटेनिंग इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, ये हो गई हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो जापान में भी है, और आर्टिकल 81 हमारी इस बात को सपोर्ट करता है कि जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट एंड सुप्रीम। So,
एकमात्र आर्टिकल आप देखिए, आर्टिकल 81, द सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ लास्ट रिसोर्ट विद पावर टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनी लॉ ऑर्डर रेगुलेशन और एनी ऑफिशियल एक्ट। इसका सीधा मतलब यही है कि अगर लेजिस्लेटिव कोई भी ऐसे लॉ, अगर कोई ऐसे कानून बनाते हैं जो वायलेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों को, या फिर कोई ऐसे कार्य जो एग्जीक्यूटिव ने किए हैं और वो जो है वो वायलेट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को, यानी कि सिंपल वे में कोई भी लॉ, कोई भी ऑर्डर, कोई भी रेगुलेशन, कोई भी ऑफिशियल एक्ट, is not according to the provisions of Japanese constitution, so this judiciary, yani ki yahan pe jo supreme court hai, it will decide, it will determine the constitutionality of these laws, orders, regulations and official acts which are made by legislative, and these official acts are done by executives। So, इनका कोई इंटरफेरेंस होगा भी नहीं इसमें, नो इंटरफेरेंस। और अगर ऐसा पाया जाता है कि दे आर वायलेटिव, दे आर अल्ट्रा वायर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन, सो द जुडिशियरी कैन मेक देम वॉइड एब इनिशियो। दिस इज अ लीगल मैक्सिम, लीगल टर्म, लैटिन टर्म। इसका मतलब होता है void from the very beginning, यानी कि जहां से वो बना हुआ था वहीं से उसको डिसमिस कर दो, यानी कि जितने भी लॉज बने थे सारे के सारे खारिज। तो ये था हमारा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, और यहां पर हमने पूरे कर लिए हैं सैलियंट फीचर्स ऑफ जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, एंड आई थिंक ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज मोर देन इनफ। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि अभी तक बताई गई सारी जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, और अगर आप हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए जाते जाते, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने कर लिया है तो बेल आइकन दबा दीजिए, और अगर ये भी हो गया तो अपने मित्रों के संग इसे भरपूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है, मिस मत कीजिएगा, और बने रहिए मेरे चैनल पे। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।